हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा क्या है, पैटर्न थ्री। पैटर्न थ्री में हमने क्या लिया हुआ है कि हमें रो में वन प्रिंट हो जाए, और सेकेंड रो में टू, थर्ड रो में थ्री, फोर्थ रो में फोर, फिफ्थ रो में फाइव, यानी हमारा रो में सेम हो एंड कॉलम चेंज हो जाए सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो इसका मैं कोड एंड इसके लॉजिक को मैं अपने वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। देन और वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं वीडियो एंड लॉजिक प्रोग्राम। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या है, वन, आपको पता होगा ये क्या है, वन टू थ्री फोर। अगर इस लाइन को पूरे को देखेंगे क्या, ये कॉलम कहेंगे, कॉलम एक है। कितने हैं कॉलम, एक। कॉलम को हम जे से और आई को रो, रो से, ठीक है, आई को किससे, रो से, जे को कॉलम से। ये हमारा क्या है, वन कॉलम है। और रो कितने हैं, दो तीन चार पाँच, कितने पाँच हैं, क्या है पाँच, हमारे पास का पाँच रो हैं। और कॉलम कितने हैं, एक। वैसे ये दूसरा कॉलम हो गया हमारा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा एंड पांचवा। प्रोग्राम में हमेशा पहले रो चलता है, यानी फर्स्ट रो चलेगा, कंप्लीट होने के बाद सेकंड रो चलेगा, यानी फर्स्ट रो चलेगा उसके साथ जितने कॉलम हैं वो कंप्लीट होंगे, देन सेकंड रो के सारे कॉलम कंप्लीट होंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मैंने इसको इरेज कर दिया, ये हमारे क्या हो गए, कितने, ये आई हमारे कितने हो गए, पाँच, यानी क्या है, ये पाँच रो हैं। और इसलिए जिसने स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, पाँच तक, यानी एक और पाँच, ये हमारी वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। और ये हमारा हो गया कॉलम, ठीक है, यानी जे, ये क्या हो रही वैल्यू, एक से स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही, एक दो तीन चार पाँच, यानी पाँच कॉलम है। क्या हुआ, यानी जे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, पाँच तक, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यानी हमने फर्स्ट जो हमारा लूप चलता है वो रो के लिए चलता है। रो में क्या है, फर्स्ट इनिशलाइजेशन, यानी हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, आई की वन, यानी वन से स्टार्ट है। देन कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब कहाँ तक वो टर्न चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये फाइव तक। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब फिर ये फर्स्ट यहाँ से रो चल जाएगा, रो चलते ही कॉलम चलेगा, यानी फर्स्ट रो चला, अब फर्स्ट रो में कितने कॉलम है वो प्रिंट होंगे, तो यहाँ पर मैं सेकेंड, यानी हमारा दूसरा रूप चलेगा, ये जे के लिए रूप चलता है, ठीक है, यानी ये कॉलम के लिए, और ये हमारा रो के लिए, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन करना है इसमें, यानी हमें जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, वन से, और कहाँ तक जानी है, फाइव तक, वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है कि ये हमारे वैल्यू कैसे होगी। मैं इसको रेज करके इसके आगे आपको हम समझाते हैं। हमारे पास क्या हो गया, आई की वैल्यू वन हो गई, ठीक है, वन, सॉरी ये आई हो गई, यानी वन, यहाँ से वन से लेकर फाइव तक, और ये इंक्रीमेंट हो रही वैल्यू रो की, और ये हो गई जे, ये भी इंक्रीमेंट हो रही वैल्यू वन से लेके फाइव तक, ठीक है। और हमें पहले भी फर्स्ट स्टार्ट करना है,
ठीक है, हमारा कंडीशन पहले ये चला फॉर चलेगा, सेकंड कॉलम के लिए चलेगा, पहले हमारा आई चला यानी रो, अब वन चला, वन पहले चेक किया ग्रेटर देन इक्वल 5 इक्वल, तो आई में कितनी वैल्यू आ गई हमारी, अभी आई 1। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट रो आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो आया तो अब इसके साथ फर्स्ट कॉलम चलेगा, कॉलम चलने के लिए हमें, ठीक है, तो मैंने ये फॉर लूप चलाया जे इक्वल टू 1, यानी इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है 1, अब जे में कितनी वैल्यू आ गई 1, अब ये एक, ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया, इस पोजीशन पे हम आ गए फर्स्ट, यानी इस पे हम आ गए, हमें प्रिंट क्या कराना है 1। ठीक है, अब हमें नंबर प्रिंट कराना है, तो ये से लेकर 5 तक ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, अगर हम इसमें आई को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, हमने आई को प्रिंट करा दिया, फर्स्ट आई को लेते हैं, आई में क्या है 1 और जे में भी 1 है, आई प्रिंट कराएंगे तो 1 आएगा, अगर जे प्रिंट करा देंगे इस जगह पे तो भी 1 प्रिंट होगा। अब कंडीशन सेकंड चलेगी, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, अब दूसरे कॉलम के लिए, जैसे दूसरे कॉलम के लिए चलेगी ये वैल्यू हमारी जे की 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी चेक करेगा 2 यहाँ हो गया और ये 5 चेक करेगा ट्रू है, इससे वैल्यू कम है, हाँ ट्रू हो गई। अब अगर हम आई चलाते हैं तो यही वैल्यू प्रिंट होगी, अगर जे चलाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 के 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1, हमें आई को ही प्रिंट कराना है, यानी हमें वैल्यू आई की वैल्यू हमारी जो 1 है, ये चला, फिर आई की जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, इनके अब तीसरा डब्बा बन गया, यानी तीसरा हमारा कॉलम तैयार हो गया, अब तीसरे कॉलम में कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पे 3, अब 3 आ गई, तो ये 3 और 3 कॉलम में क्या हमने प्रिंट कर रखा है आई, फिर 1 प्रिंट होगा, देन ऐसे पांचों प्रिंट हो जाएंगे 1। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ये जैसे ही 5 6 आएगा जेब में, ये चेक करेगा नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 6 से बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ से टर्मिनेट करके इस ये अपने लूप से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डाटा प्रिंट लाइन एक नई लाइन दूसरी लाइन पे आ जाएगा, दूसरी लाइन अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या थी 1 इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो जाएगी अब हो गई 2, अब यहाँ पे 2 हो गई, यानी दूसरे रो पे हम आ गए, अब दूसरे रो पे आए तो जे अब फिर कॉलम में आएंगे, हमारे पास क्या है 1, फर्स्ट रेडी हो गया, फिर हमने क्या आई को प्रिंट करा रखा, आई की वैल्यू कितनी हो गई इस समय 2, फिर क्या, फिर ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब 2 हो जाएगी, अब यहाँ पे 2 और चेक किया कंडीशन ट्रू है, देन आई को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी है 2, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब यहाँ पे चेक किया कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही फिर आई को प्रिंट कर देगा, देन क्या हो गया, ये हमारी 2 हो गई वैल्यू, ऐसे सो ऑन। अब ऐसे अब यहाँ पे आई की जगह अब कितनी हो गई, ये लूप से बाहर जाते ही, अब ये लूप जैसे ही बाहर जाएगा तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 3, यानी तीसरे रो पे हम आ गए, तीसरे रो में आते ही हम कॉलम पे जाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो जे 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही ये फिर आई मैंने प्रिंट कर रखा है तो आई पे यहाँ पे 3, ऐसे ही ये पूरी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है, फिल हो जाएगी, देन अगर ये फिर जैसे ही यहाँ 5 लास्ट वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, प्रिंट करते ही फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आते ही ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होते ही यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए हम इसको हम प्रोग्राम को प्रोग्राम से रन करके इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, मैंने इसका पैटर्न सारी चीज़ें वही आई को प्रिंट करा रखा हुआ है, ये 5 टर्म चलेगा, ये 5 तक, 1 से लेके 5 तक, ये भी वैल्यू 1 से लेके 5 तक चलेगी, ये भी इंक्रीमेंट करेगी, ये इंक्रीमेंट करेगी वैल्यू को, ये कॉलम को इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है हमारा ये रो को इंक्रीमेंट करेगा और ये सॉरी ये कॉलम को करता है जे, और ये आई रो को, ये आई मैंने प्रिंट करा रखा, अब इसके पहले मैं आपको समझाऊँ, मैं इसको प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्लास पैटर्न 3 नाम से बनाया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको सेव करता हूँ पैटर्न 3।
करके सेव किया पैटर्न 3.java। ठीक है, ये हो गया सेव। अब मैं इसको करता हूँ, मैं चलता हूँ दिस पीसी। अब मेरा यहाँ पे पैटर्न 3 के नाम से है, मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड cmd जावा सी पैटर्न patent जिस नाम से आपने क्लास रखा हुआ है, हमारे पैटर्न 3 के नाम से था .java। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंपाइल। ये मेरा कंपाइल हो गया, अब इसको करते हैं रन। रन करने के लिए सिर्फ जावा एंड क्लास का नाम, ये हमारा प्रिंट हो गया। देखिए फर्स्ट रो में 111 आ गया, पांच कॉलम यानी पांच को पांचों कॉलम में कितने आ गए 111 सिर्फ फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में 2। ठीक है, अब आप मैं आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहाँ से और सारे इसके स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। देन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ से आपको पैटर्न के सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, नंबर के मिल जाएंगे, स्टार पैटर्न मिल जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिल जाएंगे। देन इट इज थैंक यू सो मच। We'll be right back.